15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 अन्य देशों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और ये जानते हैं, दक्षिणी कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन को 15 अगस्त 1971 को आजादी मिली थी, और फ्रांस ने कांगो को 15 अगस्त 1960 को स्वतंत्र घोषित किया था। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए इसको पूरा जरूर देखना। और अगर आप अपने देश से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सेकंड, क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती है। नंबर थर्ड, भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन 1911 में ही लिख दिया था, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही गाया गया। नंबर फोर्थ, 15 अगस्त 1872 को ब्रिटिश राज से भारत को आजादी दिलाने में शामिल रहने वाले महर्षि अरविंद घोष का जन्म हुआ था। नंबर फाइव, 15 अगस्त 1950 के दिन असम में भीषण भूकंप आया था, इसके कारण यहां करीब 1500 से 3000 लोगों की मौत भूकंप के कारण हो गई थी। नंबर सिक्स, आजादी मिलने के बाद प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। ये काफी शॉकिंग फैक्ट है, परंतु ऐसा सत्य है। नंबर सेवन, जब यह तय हो गया कि देश 15 अगस्त को आजाद होगा, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें आप शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। इस पत्र का गांधी जी ने जवाब लिखकर भिजवाया। उन्होंने कहा, मैं कलकत्ता में हूँ, जहाँ पर हिंदू मुसलमान एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने नहीं आ सकता, और इस दंगा को रोकने के लिए अगर मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई हैं। दोस्तों, मेरा भी आपसे यही कहना है कि ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी इस देश को आजाद कराने में। इसीलिए सब मिलजुल कर रहो।